Hello everyone, so today's topic is depreciation and its accounting, which is unit 4 of accounting and finance for bankers, paper 2 of Jaiib examination. ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी है और इजी होने के साथ साथ बहुत स्कोरिंग भी है. यहाँ पे इस चैप्टर से जो है 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेप्रिसिएशन टर्म. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म डेप्रिसिएशन. ठीक है, सपोज दैट कि आप एक फोन लेके आए, आज 5000 रुपये का ही फोन लेके आए और घर लेके आए और वैसे ही आपको ये फोन जो है वो पसंद नहीं आ रहा है. आपने कहा यार यार मैं इसकी जगह दूसरा फोन ले लेता. ठीक है, तो आपने अपने फ्रेंड को कॉल करा, आपने कहा यार कल सुबह आ जाना, तुम्हें फोन की जरूरत भी थी तो कल तुम सुबह आ जाना और मुझसे फोन ले जाना. ठीक है, आपका फ्रेंड जो है वो कल आया और उसने कहा ठीक है, अब जो तुम फोन लेके कल आए हो 5000 रुपये में, तो तुम वो मुझे आज कितने रुपए में दोगे. तो इसने कहा यार 5000 का लेके है तो 5000 भी देंगे. ठीक है, तो कहते नहीं यार अब तो उसकी वैल्यू कम हो गई ना. बस जो वैल्यू कम हो गई उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन. ठीक है, मतलब वैल्यू में जो डिक्लाइन होता है उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन. तो इसने कहा कि यार एक काम करो, तुम कल फोन लेके आओ तो एक काम करो कि 500 रुपये कम ले लो और मुझे ये फोन 4500 रुपीज 4500 रुपये में दे दो. ठीक है, तो यहाँ पे इस फोन की वैल्यू एक दिन में ही 500 रुपये कम हो गई. अभी ये नया का नया ही फोन है. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद से ही उसकी जो वैल्यू है उसमें डिक्लाइनिंग शुरू हो जाती है. उस प्रोडक्ट के वो जो वैल्यू है वो कम होना शुरू हो जाती है. ओके, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन. ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज दैट कि आपको कार खरीदनी थी तो आप कहाँ गए, आप एक कार शोरूम गए. ठीक है, आपको एक कार खरीदी तो आप कार शोरूम गए और आपने कहा कि कार का प्राइस क्या है, तो उसने कहा कि कार का प्राइस जो है वो 5 लाख रुपीज है. ठीक है, विच इज फाइन. आपने कहा अच्छा ठीक है, कार का प्राइस 5 लाख रुपीज है, मेरे पास 5 लाख रुपए है तो मैं आपको 5 लाख रुपए दे देता हूँ. तो ये कहते हैं नहीं, 5 लाख रुपए सिर्फ कार का प्राइस है, एक शोरूम प्राइस है. ठीक है, इसके बाद इसमें और भी चार्जेस हैं जो इंक्लूड होते हैं. कौन कौन से चार्जेस इंक्लूड होते हैं, इंश्योरेंस का चार्ज इंक्लूड होता है. सपोज दैट इंश्योरेंस है यहाँ पे 50000 रुपए का. ठीक है, आरटीओ चार्जेस इंक्लूड होते हैं. सपोज दैट आरटीओ चार्जेस है 20000 के आसपास. ठीक है, और तो कुल मिला के ये जो ऑन रोड जो हमें कार पड़ती है वो कितने की पड़ेगी, 5,70,000 रुपए की हमें ऑन रोड प्राइस पे ये कार मिलेगी. ठीक है, तो यहाँ से एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं समझाने वाला हूँ. यहाँ से इंपॉर्टेंट ये चीज है कि डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं लगेगा, 50,000 20,000 पे नहीं लगेगा. मतलब इनिशियल स्टेज पे आप कभी भी कोई चीज खरीद रहे, इनिशियल स्टेज पे जो भी खर्चा होगा, जो भी आपने उस प्रोडक्ट को परचेज करने में पैसे स्पेंड करे होंगे वो उसकी इनिशियल प्राइस मानी जाएगी. ठीक है, तो इस कार की जो प्राइस है वो कितनी मानी जाएगी, 5,70,000 रुपीज मानी जाएगी. आफ्टर दैट आपने कहा कि ठीक है मैं इस कार का प्राइस दे रहा हूँ 5,70,000 रुपए, जो भी इंस्टॉलेशन चार्ज और जो भी कार का प्राइस है मैं पूरा जो है वो पैसा आपको 5,70,000 रुपए दे रहा हूँ, बट इस कार की लाइफ कितनी है. ठीक है, तो उसने कहा कि इस कार की जो लाइफ है वो मैक्सिमम 10 ईयर्स है, मतलब आप इसको चलाएंगे तो 10 साल तक मैक्सिमम चलेगी. तो आपने कहा ठीक है 10 साल तक ठीक है, बट अगर 10 साल बाद मैं वापस आपके इसी शोरूम में आऊँ तो आप इस कार को कितने रुपए में परचेज करेंगे. ओके, तो इसने कहा ठीक है आप जब वापस आएंगे तो हम इसको 70,000 रुपीज में परचेज कर लेंगे. ठीक है, मतलब 5,70,000 रुपए की आपने कार खरीदी आज की डेट में. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड विद 2020 में आपने खरीदी 5,70,000 रुपए की कार. ठीक है, और 2030 में इसकी जो वैल्यू है वो 70,000 रुपीज रह गई. ठीक है, 70,000 रुपीज क्या है, इसकी रेसिडुअल जो है वो वैल्यू है 70,000 रुपीज. ठीक है, तो यहां से क्या होता है, यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कि मतलब पर ईयर कितने परसेंट डेप्रिसिएशन हुआ या पर ईयर कितना डेप्रिसिएशन हुआ, ठीक है, इस कार की वैल्यू में, तो आप सिंपली क्या कहेंगे यार कि इसकी जो वैल्यू है वो 10 साल में कितनी डिक्लाइन हो गई, विच इज 5 लाख रुपीज डिक्लाइन हो गई. इस कार की जो वैल्यू है कितने साल में डिक्लाइन हुई, 10 ईयर्स में डिक्लाइन हुई. ओके, तो यानी पर ईयर कितना डिक्लाइन हुआ, पर ईयर 50,000 रुपए का जो है वो डिक्लाइन हुआ. ठीक है, यही मैथड हमारा, जिस मैथड से हमने ये निकाला है, यही इसी मैथड को बोलते हैं SLM मैथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मैथड. अब हम इसको अच्छे से समझते हैं. ठीक है, तो 5,70,000 रुपए हमने आज खरीदी. ठीक है,
और इसकी जो लाइफ बताई गई हमें 10 ईयर्स बताई गई, 10 साल बाद हमें इसको 70,000 रुपये में हमारी बिक जाएगी। ओके, तो हमने क्या किया, हमने जो 5,70,000 जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी सारे एक्सपेंसेस मिला के, ओके, सारे एक्सपेंसेस मिला के जो कॉस्ट आई उसको और उसको और सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, जो हमारी रेसिडुअल वैल्यू है उससे, ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे, जितनी उस एक्सपेक्टेड जो लाइफ है उस प्रोडक्ट की उससे डिवाइड करेंगे, वही हमारा मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, अब इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। एग्जाम में स्ट्रेट लाइन मेथड पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आपको उस क्वेश्चन में देखना है कि उस जो भी आपने प्रोडक्ट परचेज किया है उसकी कॉस्ट कितनी है, प्लस उसके में इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने हैं, ठीक है। सेकेंड, उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करना चाहूँगा कि किसी किसी क्वेश्चन में आपको एक्सपेक्टेड लाइफ नहीं दिए, एक्सपेक्टेड लाइफ मतलब कितने इयर्स उस प्रोडक्ट की लाइफ है ना, ये किसी किसी क्वेश्चन में आपको एक्सपेक्टेड लाइफ नहीं दी गई होगी, आपको क्या दिया गया होगा कि कितने परसेंटेज डेप्रिशिएट होगा। सब नेट से बोला जाए कि 20% है जो ये डेप्रिशिएट होगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है वो जाना जाता है कॉन्स्टेंट डेप्रिसिएशन के नाम से भी, ठीक है, ये क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट डेप्रिसिएशन माना जाता है कि हर साल उतना ही डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि 5,70,000 की हमने कोई कार थी वो परचेज की थी और 70,000 रुपये में हमने उसको 10 साल में बेच दी थी, तो कितना परसा पर ईयर डेप्रिशिएट हुआ था, तो हमने क्या किया था, हमने इसको 5 लाख रुपीज लिखा और डिवाइड बाई 10 कर दिया था कि इतनी तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है और इतने नंबर ऑफ ईयर्स में, यानी 50,000 रुपये हर साल जो है वो डेप्रिशिएट हुआ, मतलब यहाँ पे कॉन्स्टेंट डेप्रिसिएशन को हमने माना है। तो ये थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स में, ठीक है, जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन जो मेथड है वो कॉन्स्टेंट डेप्रिसिएशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। थर्ड चीज, अच्छा एक चीज हो, जैसे यहाँ पे दिया होता है कि 20% है डेप्रिशिएट हो रहा है, तो 20% का मतलब क्या हुआ, इसकी जो लाइफ है 5 ईयर्स है, ठीक है। अगर बोलते हैं कि 50% जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, 50% मतलब इसकी जो लाइफ है वो 2 साल है, ठीक है, इस चीज को आई थिंक आप समझ रहे होंगे। परसेंटेज अगर 10% दिया होता है यहाँ पे, यानी एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है 10 ईयर्स है, तो क्वेश्चन जो होगा वो घुमा के आएगा और वो ऐसे ही आएगा कि हो सकता है परसेंटेज में आपको दिया हो, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उस जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदा है उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू बच है कि नहीं है, स्क्रैप और रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है, वो भी इसमें कंसीडर करनी है कि अब उसमें कितना बचा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से कहें तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, कॉस्ट प्लस जितने भी एक्सपेंसेस हुए, ठीक है, उस प्रोडक्ट को परचेज करने में, माइनस उसकी अब रेसिडुअल वैल्यू कितनी है, अब उसकी वैल्यू कितनी बची है, डिवाइड बाई क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर एक्सपेक्टेड लाइफ, जो भी उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है वो, ठीक है, ईयर्स में, ठीक है। अगर यहीं पे परसेंटेज दिया होता, अगर परसेंटेज हमें दिया होता तो हम क्या लिखते, एक्सपेक्टेड लाइफ की जगह हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं परसेंटेज, जैसे 20% दिया होता तो हम यहाँ पे 20% लिख देते हैं। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अगर यहाँ परसेंटेज दिया होता तो क्या करते, कॉस्ट प्लस एक्सपेंस, ठीक है, माइनस रेसिडुअल उसकी जो वैल्यू है वो, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड में आप नंबर ऑफ इयर्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप परसेंटेज लिखेंगे कितने परसेंट डेप्रिशिएट हो रहा है, ओके। सो दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाउ अंडरस्टैंड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, व्हिच इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। मतलब इस चैप्टर में ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये मेथड इंपॉर्टेंट है या फिर अनदर मेथड इंपॉर्टेंट है, यार हर मेथड से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। जब आप जाओगे तो आपको हो सकता है SLM से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लें या फिर आपके आपसे डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लें, ओके। तो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, बट हर मेथड से आपको जो है वो क्वेश्चन आएगा। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि चैप्टर बहुत ईजी है बट उसके साथ साथ बहुत स्कोरिंग भी है, ओके। तो आपको हर चीज़ अच्छे से इसमें समझनी है। तो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, इसमें जो है वो रैपिड डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। जैसे SLM की हम बात कर रहे थे, SLM में क्या होता है, कांस्टेंट डेप्रिसिएशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पे कांस्टेंट डेप्रिसिएशन नहीं होता है। सपोज दैट कि आप कोई प्रोडक्ट लेके आए जिसकी वैल्यू आज कितनी है, 20,000 रुपीज है, और बोला जाता है कि 20% रेट से डेप्रिशिएट होगी, ठीक है, बाई डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। कैलकुलेट करके बताओ कि इसकी जो मतलब इसकी लाइफ या फिर इसकी जो रेसिडुअल वैल्यू वो कितनी बचेगी, ओके, आफ्टर एक्सपेक्टेड लाइफ, ठीक है। तो हम जब बात करते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड की, तो इसमें क्या होता है कि
पर ईयर जितना भी रेसिडुअल वैल्यू बचती है उस पे वापस से डेप्रिसिएशन करते हैं, ठीक है। मतलब रेसिडुअल वैल्यू पे हम डेप्रिसिएशन करते हैं, ना कि हम जो ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिशिएट करते हैं। जैसे एसएलएम पे हम कांस्टेंट कर रहे थे, इसमें हम उसमें इसमें हम ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं करते, इसमें हम रेसिडुअल वैल्यू पे करते हैं, ठीक है। जैसे इससे समझते हैं, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक फर्स्ट ईयर में जब हम बात करते हैं कि 20,000 रुपीज़ है, ठीक है, क्योंकि 20% है, यानी क्या हुआ 5 ईयर्स इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है, ठीक है। तो 20,000 डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो कितना, या अब डेप्रिसिएशन होके वैल्यू बची होगी 4,000, ये डेप्रिशिएट हुई, मतलब रेसिडुअल वैल्यू कितनी बची 16,000। 20,000 में 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ये क्या आ जाएगी, रेसिडुअल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में इस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, जो हमने प्रोडक्ट 20,000 में खरीदा, सेकेंड ईयर में इस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी बची 16,000, ठीक है। तो 16,000 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3,200, ओके। अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 12,800 रुपीज़ आ जाएगी, फाइन। तीसरे साल पे हम आएंगे तो फिर 12,800 में डिवाइड करेंगे 5 का, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2,560 रुपीज़ आ जाएगी। और फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 10,240 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ ईयर में आएंगे तो 10,240 फिर डिवाइड बाई 5 करेंगे, अब कितना आएगा, 2,048 रुपीज़ जो है वो डेप्रिशिएट हुई है वैल्यू, ठीक है। तो डेप्रिशिएट होके अब रेसिडुअल वैल्यू कितनी बची इसकी, 8,192 रुपीज़, फाइन। क्योंकि फिफ्थ ईयर में फिर आएंगे तो फिफ्थ ईयर में फिर हम 8,192 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,638.4, और डेप्रिशिएट वैल्यू और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6,553.6 रुपीज़ इसकी रेसिडुअल वैल्यू होगी। मतलब जो इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है, मतलब 5 साल बाद इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 6,553.6 रुपीज़, इतने का ये जो है ये प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हम रिकरिंग बैलेंस मेथड से ये कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू उसके एक्सपेक्टेड लाइफ के बाद, या फिर कितने परसेंट, जिस रेट पे जो परसेंट डेप्रिशिएट हो रहा है उससे कितनी जो उसकी वैल्यू है वो बचेगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी एक समझ लेते हैं कि एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर की जो वैल्यू है वो, जो भी प्रीवियस ईयर की वैल्यू है वो, इनटू जितने परसेंट रेट उसके डिक्लाइनिंग बताई गई है या फिर एक्सपेक्टेड लाइफ बताई गई है, ठीक है। अगर यहाँ पे परसेंटेज से बताया जाए तो इनटू करते हैं, अगर हमें एक्सपेक्टेड लाइफ दी हो तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रीवियस ईयर का जो भी वैल्यू है वो डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड लाइफ, ठीक है, डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड लाइफ। तो इस तरह से हम एज अ डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के क्वेश्चंस करते हैं, फाइन। नेक्स्ट इज सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको इस मेथड पे एक न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझते हैं। सपोज इट कि आप कोई प्रोडक्ट परचेज करके लाए और उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू इनिशियल डेज में तो काफी ज्यादा ही रहती है, ज्यादा रहती है वैल्यू, मतलब आपको टैक्स भी उस चीज पे ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में क्या होता है, हम डेप्रिसिएशन जो है वो हम मानते हैं कि बहुत तेजी से हो रहा है किसी प्रोडक्ट का, ठीक है। अगर डेप्रिसिएशन बहुत तेजी से हो रहा है किसी प्रोडक्ट का, मतलब ये टैक्स बेनिफिट में जो है ये मेथड हेल्पफुल रहता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, फाइन। अब यहाँ से क्या करते हैं, सपोज दैट कि हम कोई प्रोडक्ट परचेज करके लाए जिसकी जो वैल्यू है वो 45,000 रुपीज़ है और उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स है, ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 5 ईयर्स है। तो अब यहाँ से बहुत ध्यान से समझना, हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर 5, सेकेंड ईयर 4, थर्ड ईयर 3, फोर्थ ईयर 2 एंड फिफ्थ ईयर 1, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट ईयर, ये है हमारा सेकेंड ईयर, ये है हमारा थर्ड ईयर, ये है हमारा फोर्थ ईयर और ये है हमारा फिफ्थ ईयर, फाइन, ठीक है। इस सब का सम कितना है, 15 है। देखो 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12 to 14 एंड 14 + 1 = 15, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा 5/15, ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 4/15। थर्ड ईयर के लिए हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 3/15। फोर्थ ईयर के लिए हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 2/15। ये बहुत ही ध्यान से समझना कि फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, 2/15 है, ठीक है। फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, 1/15, फाइन।
तो अगर हमसे पूछा जाता है कि 45,000 रुपीज अगर किसी चीज की वैल्यू है तो थर्ड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन उसका हो जाएगा। सो 45,000 रुपीज उसकी वैल्यू थी, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन पूछ रहा है, तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना 3/15 कर देंगे। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9,000 रुपीज। 9,000 रुपीज जो है वो डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है, थर्ड ईयर में। तो इस तरह से हम सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज मशीनरी कॉस्ट 2 लाख रुपीज एंड इट्स लाइफ इज 5 ईयर्स विच इज एक्सपेक्टेड लाइफ। ओके, लाइफ इज 5 ईयर्स मीन्स एक्सपेक्टेड लाइफ। इट्स रेसिडुअल वैल्यू इज 40,000 रुपीज, मतलब 2 लाख की हमने कोई चीज जो थी वो खरीदी थी और 5 साल बाद इसकी जो वैल्यू है वो 40,000 रुपीज हो जाएगी। सो वॉट इज द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे एस एल एम यूज करेंगे। जब हमें कोई मैथड नहीं दिया तो हम क्या यूज करेंगे, एस एल एम मैथड, स्ट्रेट लाइन मैथड। तो हमने जो मशीन खरीदी थी वो हमने खरीदी थी 2 लाख रुपए में, ठीक है ना, 2 लाख रुपए में हमने कोई मशीन खरीदी थी। और अब जो उसकी स्क्रैप वैल्यू या फिर रेसिडुअल वैल्यू है वो कितनी है, 40,000 रुपीज है, ठीक है। तो 5 ईयर्स इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ थी तो हम डिवाइड बाई 5 कर देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1,60,000 डिवाइड बाई 5, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 32,000 रुपीज। यानी 32,000 रुपीज क्या ही एनुअल डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन January 1, 2000 राम परचेज अ प्लांट कॉस्टिंग 41,000 रुपीज, ओके, एंड स्पेंड 4,000 रुपीज ऑन इट्स इरेक्शन। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ प्लांट इज 10 ईयर्स एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ 5,000 रुपीज, व्हाट विल बी द डेप्रिशिएटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है। तो हम कैसे निकालते थे, एस एल एम मैथड से हम कैसे निकालेंगे कि टोटल जितनी भी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, 41,000 प्लस 4,000 रुपीज मीन्स 45,000 रुपीज, ठीक है, ये हमारी टोटल कॉस्ट है। तो 45,000 हमने इधर लग रखा और स्क्रैप वैल्यू कितनी बची है, 5,000 रुपीज, तो स्क्रैप वैल्यू हमने इधर रखा और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी, 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स हमने ये करा, ठीक है। यानी हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 4,000 रुपीज जो है ये एनुअली क्या है, डेप्रिशिएटेड होगा। तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू पूछ रहा है कि थर्ड ईयर के एंड में कितनी होगी, तो 4,000 रुपीज जो है वो पर ईयर हो रही है, अगर तो 3 साल में कितनी होगी, 12,000 होगी। फाइन, 12,000 ही तो होगी ना 3 साल में, 4,000 × 3 कर देंगे तो यानी 12,000 रुपये जो है वो डेप्रिशिएट हो चुकी होगी वैल्यू। टोटल हमारी कॉस्ट कितनी थी, 45,000 थी और डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी होगी, 12,000 होगी, यानी हमारा जो अब आंसर होगा कितना होगा, 33,000। सो व्हाट विल द डेप्रिशिएटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, सो आंसर इज 33,000। ओके, तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज 4 लाख रुपीज। कोई एसेट खरीदा और उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 4 लाख रुपीज में हमने खरीदा। एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%, मतलब इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स है, ठीक है। फाइन, अंडर द डिक्लाइनिंग बैलेंस मैथड वॉट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन थर्ड ईयर। तो डिक्लाइनिंग बैलेंस मैथड से हमें थर्ड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन है वो निकालना है। फाइन, तो फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन हुआ होगा, तो हम क्या करते हैं, 4 लाख रुपए लिख लेते हैं और डिवाइड बाई क्या, 5 ईयर्स, या फिर क्या करें, या तो डिवाइड बाई 5 करते हैं या फिर क्या करते हैं, अगर हमें परसेंटेज दिया है तो इंटू परसेंटेज कर लेते हैं, पर बात तो वही है ना। तो चार, यहाँ पे कितना डेप्रिशिएट होगी वैल्यू, यहाँ पे डेप्रिशिएट होगी 80,000 रुपीज, मतलब हमारी जो रेसिडुअल वैल्यू है वो हमारी कितनी है, रेसिडुअल वैल्यू हमारी है 3,20,000 रुपीज। फाइन, 1 मिनट, हमारी वैल्यू है 3,20,000 रुपीज, ये हमारी रेसिडुअल वैल्यू है। तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारी इतनी वैल्यू है, सेकेंड ईयर की जब बात करेंगे तो 3,20,000 रुपीज डिवाइड बाई 5 अगेन करेंगे, क्योंकि अब हम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में हम रेसिडुअल वैल्यू पे तो कैलकुलेट करते थे डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ वैल्यू हो जाएगी 64,000 रुपीज जो है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा, ठीक है। यानी रेसिडुअल वैल्यू कितनी बचेगी, यहाँ पे 2,56,000 रुपीज जो है वो रेसिडुअल वैल्यू बचेगी। ओके, थर्ड ईयर की बात करेंगे तो थर्ड ईयर में 2,56,000 रुपीज लेंगे और डिवाइड बाई 5 करेंगे, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 51,200 रुपीज आ जाएगी, ठीक है।
अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 20,480 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन थर्ड ईयर, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमारा कितना होगा, 51,200 रुपीज, ठीक है। ये तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, हमसे रेसिडुअल वैल्यू थोड़ी ना पूछी है, हमसे स्क्रैप वैल्यू नहीं पूछी है, हमसे यहाँ पे पूछा है डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा, तो आंसर इज 51,200 रुपीज, ओके। तो इस तरह से हम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एसेट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 इयर्स एंड इट्स ओरिजिनल कॉस्ट इज 10,000 रुपीज, मतलब हमें एक्सपेक्टेड लाइफ दी गई है और हमें कॉस्ट दी गई है कि 10,000 रुपीज है। व्हाट इज द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इन फोर्थ ईयर अंडर द सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, तो मैंने क्या बताया था कि टाइम को ऐड कर लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर के लिए 5, सेकेंड ईयर के लिए 4, थर्ड 2 एंड 1, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन हमारा कितना लगेगा, 5 डिवाइड बाई 15, क्यों, हम पूरे जितने भी ईयर्स हमने लिखे हैं उसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पे क्या आएगा, 15 आएगा। सपोज दैट हमें यहाँ पे दिया होता कि एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, 4 ईयर्स है, जस्ट सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइम को ऐड करते तो कितना था, 4 + 3 + 2 + 1, मतलब 10, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर के लिए डिप्रिसिएशन क्या हो जाता, 4/10, सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाता था, 3/10, थर्ड ईयर के लिए 2/10 एंड फोर्थ ईयर के लिए 1/10, ओके फाइन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा फर्स्ट ईयर के लिए कितना डिप्रिसिएशन है, 5/15, सेकेंड ईयर के लिए हमारा डिप्रिसिएशन कितना है, 4/15, थर्ड ईयर के लिए हमारा डिप्रिसिएशन कितना है, 3/15, फोर्थ ईयर के लिए हमारा डिप्रिसिएशन कितना है, 2/15 एंड फिफ्थ ईयर के लिए हमारा कितना है, 1/15, फाइन। तो हमें क्या निकालना है, फोर्थ ईयर में कितना डिप्रिसिएशन हुआ उसका रेट हमें बताना है, ठीक है। तो हमारी जो प्रोडक्ट थी उसकी कॉस्ट कितनी थी, 10,000 रुपीज थी, ठीक है। फोर्थ ईयर में कितना डिप्रिसिएशन होगा, 2/15 होगा, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4,000 / 3, मतलब यहाँ से आ जाएगा 13.33% जो है ये हमारा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, ठीक है। तो इस तरह से हम एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं, आई होप अभी ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब मैंने इस वीडियो में कवर करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ओके। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।